मन समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कर्तव्यनिष्ठ और एक मजबूत चरित्र के स्वामी श्री शाहनवाज चौधरी ने भी इसी प्रकार अपना जीवन इस देश को समर्पित कर दिया है। महज 12 साल की उम्र में ही श्री शाहनवाज चौधरी के मन में अपने राष्ट्र के प्रति आस्था जागृत हो गई। 17 साल की आयु में ही वे 10वीं कक्षा तक के बच्चों को पढ़ाया करते थे और मात्र 19 वर्ष की आयु में उन्होंने दिल्ली के एक पिछड़े इलाके में एक प्राइमरी स्कूल की स्थापना गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के उद्देश्य से की। इसके साथ साथ उन्होंने पटेल नगर पुलिस स्टेशन से सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग प्राप्त की तथा वहां के वार्डन, SHO और ACP के साथ भी सराहनापूर्ण कार्य किया। अपने कॉलेज के दिनों में श्री शाहनवाज चौधरी ने पर्यावरण सुधार के कई महत्वपूर्ण कार्य किए। अपने कॉलेज के पहले वर्ष में नेचर क्लब के सदस्य रहने के बाद वे दूसरे वर्ष में रामजस कॉलेज बायोलॉजिकल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी रहे और तीसरे वर्ष में निर्विरोध बायोलॉजिकल सोसाइटी के वाइस प्रेसिडेंट चुन लिए गए। मात्र 20 वर्ष की आयु में श्री शाहनवाज चौधरी ने इंडियन एजुकेटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन नामक संगठन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना को बढ़ाना तथा धर्म आधारित भेदभाव को दूर करना था। मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त करने के बाद चौधरी जी कई जाने माने संस्थानों में भी उच्च स्तर पर कार्यरत रहे हैं, जहां इन्होंने विद्यार्थियों की नेतृत्व क्षमता तथा अपने व्यक्तित्व को निखारने जैसे अन्य कई विषयों पर मार्गदर्शन किया है। 2006 में श्री शाहनवाज चौधरी ने इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप IPL की स्थापना की। इस अनोखे इंस्टीट्यूट के माध्यम से वे भारतवर्ष की राजनीति और राजनीतिज्ञों के स्तर में सुधार करना चाहते हैं। यदि वो पाना चाहते हो जो आज तक नहीं मिला, तो वो कर डालो जो आज तक नहीं किया तुमने। क्या चीज छूट गई तुम लोगों से? क्या चीज अपनी पर्सनालिटी में क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए था मुझे? मुझे क्या चीज ग्रो करनी चाहिए थी? मुझे अपने मास्टरमाइंड को ढूंढना चाहिए था, कहां, कैसे, कब, किस तरह से? क्या मैंने वो ढूंढा के नहीं ढूंढा? साहिब सिंह चौहान, विधायक घोंडा क्षेत्र, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, जिसे IPL के नाम से जाना जाता है, ना केवल दिल्ली बल्कि दिल्ली से बाहर पूरे हिंदुस्तान में जिसकी एक विश्वसनीयता है और जिसके डायरेक्टर शाहनवाज जी हैं, मैं 2006 से बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। नेताओं को ओरिएंट करना, नेताओं को तैयार करना, जो आज भारत की बहुत बड़ी ज़रूरत है, ना केवल भारत की, पूरी दुनिया की अच्छे नेताओं की ज़रूरत है, उस प्रकार की लीडरशिप को डेवलप, केवल ना डेवलप करना बल्कि पैदा भी करना, ये IPL का बहुत अच्छा कार्य है। सीधे शब्दों में कहा जाए तो इंस्टीट्यूट का एकमात्र उद्देश्य अच्छे, समर्पित, जनता द्वारा स्वीकृत तथा आदर्श युवक युवतियों का जन प्रतिनिधि के रूप में मार्गदर्शन करना है। श्री चेतन भगत जी का इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप के बारे में कहना है कि इस प्रकार असाधारण तथा साहसिक कार्य करने वाली संस्थाओं की न केवल राजनीति में परंतु हर क्षेत्र में आवश्यकता है। श्री शाहनवाज चौधरी जैसे लोग जो इस प्रकार का साहसिक कार्य करते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। मेरा नाम डॉक्टर वी के तेवतिया, मैं लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। मैं शाहनवाज जी को 2009 से जानता हूँ। असल में मुझे 2012 में विधानसभा लोनी से इलेक्शन लड़ना था और मैं इसका क्या क्या नहीं जानता था। उसकी जानकारी के लिए मुझे कुछ दोस्तों से और अखबारों की न्यूज़ से पता चला कि यहाँ दिलशाद गार्डन दिल्ली में एक संस्था है जो IPL के नाम से है, इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। वो इस तरह की शिक्षा देती है और चुनाव के बारे में सारी रणनीति बताती है, कैसे कैसे कहाँ से पैसा आता है, किस तरह लगाया जाता है, किस तरह चुनाव लड़ा जाता है। मार्च 2012 में भारत सरकार के पूर्व मंत्री श्री शशि थरूर जी ने श्री शाहनवाज चौधरी को इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप की स्थापना करने के लिए सम्मानित किया। ये सम्मान समारोह ब्रांड एकेडमी बिग रिसर्च कंपनी द्वारा आयोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त श्री शाहनवाज चौधरी न सिर्फ दिल्ली में बल्कि भारत के अन्य राज्यों में भी जाकर
राजनीतिक जागरूकता और करियर निर्माण जैसे अनेक विषयों पर राजनीतिक सेमिनार तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करने जाते रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद बालियान है। मैं अपने परिवार के साथ शालीमार गार्डन साहिबाबाद में रहता हूँ। मेरी मुलाकात श्री शाहनवाज चौधरी जी से 2009 में हुई और उनसे प्रभावित होकर उन्हीं के साथ राजनीतिक कार्य करने का निर्णय लिया। जब मैं श्री शाहनवाज चौधरी जी से पहली बार मिला तब मैं बहुत हताश था, बहुत निराश था। उन्होंने मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार किया। श्री शाहनवाज चौधरी जी एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व के मालिक है, बहुत अच्छे वक्ता है, बहुत अच्छे मोटिवेटर है। मैं तो ये कहूँगा कि वो एक ऐसे पारखी है जो हीरो को तलाशते हैं, तराशते हैं और उनको कोहिनूर बना देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम राहुल पारचा है। मैं वजीराबाद गांव में अपने परिवार के साथ रहता हूँ। श्री शाहनवाज चौधरी जी को मैं पिछले 7-8 सालों से जानता हूँ। उन्होंने मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका दिया है। उसके लिए मैं श्री शाहनवाज चौधरी जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मिले और उन्होंने मेरे लाइफ में एक नया मोड़ दिया। श्री शाहनवाज चौधरी नेशनल अकेडमी ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग तथा गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी जुड़े हुए हैं। वे बड़े पैमाने पर सामरिक नेतृत्व के विकास में शामिल रहे हैं और आज उन्हें रणनीति और रणनीतिक सोच पर एक प्रमुख विशेषज्ञ के रूप में मान्यता प्राप्त है। वे एक महान नेता और प्रेरक हैं। मात्र उनकी उपस्थिति ही पूरी टीम का हौसला बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। Myself, Dr. Rupali Nishchal, I'm the director of National Academy of Teachers Training. With that, I'm also assisting Sir in Institute of Political Leadership. Shri Shahnawaz Chaudhary ji ne sirf mujhe hi nahi, aise kai aur vyaktiyon ko bahut assist kiya hai. He has been in the advisory committees of many political leaders. Unhone bahut badi badi hastiyon ke liye advisory mein work kiya hai, unke liye assistance ke liye work kiya hai. Unhe lagbhag 15,000 ghante alag alag star par padhane तथा 20,000 से अधिक व्यक्तियों का मार्गदर्शन करने का अनुभव है। मेरा नाम अशोक कालरा है और मैं LIC के साथ पिछले 25 सालों से एक एजेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। शाहनवाज चौधरी ने मुझे पूरी तरह से यकीन दिला दिया इस बात के लिए कि आप कालरा जी जो जिंदगी में करना चाहते हो वो आप कर सकते हो, लेकिन उनके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा है कि वो अगर 60 साल के आदमी को भी पढ़ाएंगे तो भी कम पड़ेगा और अगर वो 120 साल के आदमी को पढ़ाएंगे तो भी कम पड़ेगा। मेरा नाम राजेश दयाल है, मेरा प्रिंटिंग का बिजनेस है और मैं नोएडा में रहता हूँ। सर के लिए मेरे पास एक छोटा सा शेर है कि कुछ दोस्त दर्पण की तरह रखो और परछाई की तरह रखो, क्योंकि दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। तो मैं चौधरी सर के लिए इन्हीं शब्दों के साथ उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मेरी लाइफ बदल दी, कि मुझे पता लग गया कि मेरे बिजनेस में क्यों प्रॉब्लम आई और किस वजह से मेरे को क्या प्रॉब्लम रही। वे सभी स्तर पर राजनेताओं का मार्गदर्शन करने तथा सभी लोगों के लिए रणनीति बनाने के लिए जाने जाते हैं। श्री शाहनवाज चौधरी जिम्मेदार नागरिक फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं, एक ऐसा ट्रस्ट जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा नारी उत्थान के क्षेत्र में काम करता है। ये संस्था बेरोजगार लोगों के रोजगार के लिए भी संघर्ष करती है। उन्होंने दिल्ली के कई विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों तथा राजनेताओं का मार्गदर्शन किया है तथा कई सेवाएं भी प्रदान की हैं। लोग जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, ऐसा प्लेटफॉर्म जहां से वो अपना करियर शुरू कर सकते हैं, पॉलिटिकल अवेयरनेस मिलेगा और किस पोस्ट पर क्या काम करने होते हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज MLAs की हैं, क्या काउंसलर की हैं, क्या MP की हैं, वही नहीं मालूम होती लोगों को। तो बेसिक ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि उन्हें बेस पता चल सके, क्योंकि बहुत टफ होता है पॉलिटिशियन बनना। वो सिखाया जा रहा है पब्लिक को कि ये क्वालिटीज आप में होनी चाहिए कि आप उस लेवल पे काम कर सकते हैं, तभी आप आइएगा। कि यूथ को अवेयरनेस नहीं है, प्रॉपर पॉलिटिकल गाइडेंस नहीं है कि वो एंटर कैसे करें, क्यों ना हम उनको ट्रेनिंग दें और जो 20 साल में वो सीखते हैं वही उन्हें 1-2 साल में सिखाकर पार्टियों में प्लेस कर दिया जाए, ताकि उन्हें आगे टिकट लेने में आसानी हो और सीखने में आसानी हो। दिल्ली की कई नामी राजनीतिक हस्तियों ने इनकी सेवाओं का लाभ उठाया है, जिनमें श्रीमती शीला दीक्षित, श्री विजय गोयल, श्री मतीन अहमद, श्री जय भगवान अग्रवाल, श्री साहेब सिंह चौहान जैसे नाम शामिल हैं। श्री शाहनवाज चौधरी को अपने अतुलनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार तथा अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। श्री शाहनवाज चौधरी जी के बारे में अगर बात करूं तो ही समवन हु अट्रैक्ट्स पीपल। आपने मैग्नेट के बारे में सुना होगा, मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन। मैग्नेट की कुछ लिमिटेशंस हैं, वो सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट कर सकते हैं। बट अगर मैं श्री शाहनवाज चौधरी जी की बात करूं,
तो वो अपने आसपास के लोगों को, चीजों को, हर इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। हर अच्छे बुरे की तुमको खबर दे के जाऊंगा, चेहरों को पढ़ने वाली नजर दे के जाऊंगा, मैं वो फनकार हूं इस सदी का, पत्थरों को भी बोलने का हुनर दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, दे के जाऊंगा। अत्यंत ईमानदार, भरोसेमंद, दयालु, विनम्र और प्रेरक व्यक्तित्व के धनी श्री शाहनवाज चौधरी भारतवर्ष के उज्ज्वल भविष्य के लिए कार्यरत।